नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ चंद्र ओझा। प्रेम प्रसंग के आरोप में युवक की गंभीर मारपिटाई, इलाज के दौरान युवक की हुई मौत, पुलिस ने एक महिला सहित तीन लोगों को किया राउंड अप। रायसिंहगढ़ क्षेत्र समेजा की इस वक्त की बड़ी खबर। रायसिंहगढ़ समेजा कोठी थाना क्षेत्र में खेत में काम कर रहे एक युवक का अपहरण कर घर में बंधक बनाकर गंभीर मारपीट करने से घायल हुए युवक की उपचार के दौरान श्रीगंगानगर मौत हो गई। समेजा थाना प्रभारी महावीर प्रसाद स्वामी ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक दूली चंद को निवासी बांडा के भाई रमेश कुमार की रिपोर्ट पर एक महिला सहित आधा दर्जन से अधिक लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया है। मृतक दूली चंद गाँव 16 SGM में अपनी जमीन में फसल की रखवाली करने गया था। वहाँ खेत में बने कमरे में रहता था। घर पड़ोसी धर्मपाल मेघवाल ने फोन पर बताया कि आपके भाई दुलीचंद को कल्याण बावरी वे कल्याण का साला विनोद एक बाइक पर उसे जबरन उठाकर 14 SGM ले गए हैं। वहां धर्मपाल के साथ गांव 16 SGM में पहुंचा तो वहां दुलीचंद नहीं था। इसके बाद 14 SGM में कल्याणा के घर गया तो दुलीचंद जमीन पर पड़ा हुआ था, जिसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। रमेश कुमार ने पुलिस को बताया कि उसने कल्याणा आराम से दुलीचंद से मारपीट का कारण पूछा तो उसने बताया कि तेरा भाई दुलीचंद मेरी पत्नी निर्मला को बार बार फोन कर परेशान करता था, जिस पर पुलिस में एक महिला सहित तीन लोगों को राउंड अप किया है जिनसे पूछताछ जारी है। वहीं मृतक का श्रीगंगानगर के राजकीय अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सौंप दिया गया है। अनूपगढ़ ज्योति के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, राजकुमार। पहाड़ी के लिए एक आदमी हमारा परमानेंट खेत में रहता है और जैसे डेली जाते हैं वैसे ही खेत में गए थे और उन्होंने खेत में ही मारपीट की और फिर घसीट के और रोड पे ले जाके फिर बाइक पे बिठा के फिर अपने घर ले गए। कौन कौन थे जी? एक कल्याण बावरी और कल्याण बावरी के दो साले, एक लड़का, एक उसकी वाइफ, पाँच आदमी थे। हाँ जी। हाँ, रात को लगभग 12:30 बजे के आसपास 108 एम्बुलेंस में एक पेशेंट आया था और साथ में पुलिस भी थी। क्या नाम था सर? मारपीट का कुछ सफर हम बता रहे थे और पेशेंट का नाम था लिखुराम उर्फ दूली चंद जी। तो सीएससी समेजा में जब इसको लेके आए थे तो वो काफ़ी मतलब गंभीर हालत में था जी। दोनों टांगों पर काफ़ी चोटें लगी हुई थी और दोनों टांगों में उसके फ्रैक्चर भी थे जी। हाथों पर भी चोट थी, फ्रैक्चर थे और छाती पे पीठ पे भी कुछ चोटें लगी हुई थी। काफ़ी सीरियस कंडीशन में था जी। तो यहाँ उसका आने के बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट करके, क्योंकि उसके फ्रैक्चर था तो आगे ऑर्थोपेडिक के पास भेजना था, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद उसको 108 एम्बुलेंस के द्वारा ही गंगानगर भिजवाया गया।